जो स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से निर्वाचन होना है विधान परिषद के लिए, तो इसकी अधिसूचना आज चुनाव आयोग के द्वारा निर्गत की गई है, जिसके तहत इस जिले में भी चुनाव कराया जाना है एक सीट के लिए। और इसका जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार है, जो नोटिफिकेशन इशू होगा वो 9 मार्च को इशू किया जाएगा। नॉमिनेशन लेने की अंतिम तारीख 16 मार्च है। स्क्रूटनी 17 तारीख को होगी, मार्च को। अभ्यर्थिता वापसी का समय 21 मार्च तक के लिए है और चुनाव 4 अप्रैल जो कि सोमवार है उस दिन कराया जाएगा। ये चुनाव सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक होगा। वोटों की गणना जो है वो 7 अप्रैल को की जाएगी। इस जिले में इस चुनाव के लिए जो कुल निर्वाचक हैं उनकी संख्या 5,569 है। कुल 20 मतदान केंद्र हैं, प्रत्येक प्रखंड में एक। कार्यक्रम बताया ही गया है। नाम निर्देशन शुल्क इसमें ₹10,000 है और आज से ही, क्योंकि आज ये आ गया है, तो आज से जो आदर्श आचार संहिता है वो पूरे जिले में प्रभावी हो गई है। और आदर्श आचार संहिता के तहत जो अनुमान्य और जो निषेध चीज़ें हैं वो सभी आज पूर्ण रूप से लागू की जा रही हैं यहाँ से। धन्यवाद। चुनाव को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, या फिर बाकी जो चीज़ें हैं उनको लेकर क्या कुछ? चुनाव को लेकर जितने एहतियात सामान्यता बढ़ती जाती है पुलिस विभाग के द्वारा, वो सारी एहतियात बढ़ती जा रही है। उसके अलावा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन के लिए भी सभी लोगों को निर्देशित किया गया है, जो भी लोग इसका उल्लंघन करते हैं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा दिशा निर्देश दिए रहेंगे बल की प्रतिनियुक्ति के लिए, उसके अनुसार हम लोग बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे ताकि शांतिपूर्वक स्वच्छ ढंग से चुनाव सम्पन्न किया जा सके।